लास्ट टाइम पे क्या बताया था, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक और इसके बारे में डिस्कशन किया था ना। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के कुछ पार्ट, जिसमें से सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल में आपको स्टेबिलिटी वगैरह के बारे में एक जनरल लेक्चर होगा जो मैं लूंगी। उसके पहले, क्योंकि अब आपको वो पढ़ाना है ना, मेरे को कल क्या बताया था आपको, अल्कोहल वाला चैप्टर और वो पढ़ाने हैं ना, तो इसलिए हमने थोड़ा सा मैकेनिज्म को स्टार्ट कर दिया है, जिससे जो मैकेनिज्म वाला पोर्शन आएगा वो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी बिल्कुल नए। वॉइस क्लियर है? अब लास्ट जो टॉपिक हमने किया था उसमें कुछ क्वेश्चंस थे वो रह गए थे, तो पहले उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। ये क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहे हैं लीस्ट स्टेबल रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहे हैं कि लीस्ट स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर होगा। पहला आपका दिया हुआ है बेंजीन, सेकंड स्ट्रक्चर है आपका, यहां पे एन लगा दिया, थर्ड स्ट्रक्चर में यहां पे ऑक्सीजन लगा दिया है, और फोर्थ स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से बनाया फोर्थ स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमको देखना है कि इसमें रेजोनेंस हो रहा है, जैसा कि हम लोग सारे स्ट्रक्चर को अगर देखो तो सब साइक्लिक आपको दिखाई दे रहे हैं, और जो आपका एंटी एरोमेटिक मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉन स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत कम बनते हैं। तो इसमें से हम चेक करते हैं कौन सा ऐसा हो सकता है जो एंटी एरोमेटिक बन जाए। तो फर्स्ट तो बेंजीन है, तो बेंजीन को तो आपने पढ़ा ही हुआ है कि भाई ये साइक्लिक भी है और आपका कंजुगेटेड भी है और एरोमेटिक भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये वाला ठीक है, तो स्टेबलाइज होगा। फिर उसके बाद सेकंड वाला ये हमने पढ़ा था, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या था आपका, इसमें जो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर था ये पार्टिसिपेट नहीं करता था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड के एडजेसेंट लोन पेयर है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ऑलरेडी इतने से ही यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा ये स्ट्रक्चर। तो इसकी भी अगर बात करो तो ये भी साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, और यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा, ये स्टेबलाइज होगा। थर्ड स्ट्रक्चर की बात करो तो थर्ड में क्या होगा बताइए, कोई बताना चाहता है? साइक्लिक तो दिख रहा है, कॉन्जुगेटेड है क्या? कॉन्जुगेटेड है। और तीसरी बात हम लोग क्या देखते हैं, तीसरा हम लोग देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक 6 होंगे ना, दो तो पार्टिसिपेट करेंगे ना, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन करेंगे ना, दो तो पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 6, तो ये भी कैसा सिस्टम बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा थर्ड ऑप्शन में। अब फोर्थ ऑप्शन में कुछ स्पेशलिटी है, देखते हैं भाई फोर्थ में क्या दिख रहा है हमें। फोर्थ को अगर देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है, तो ऑक्सीजन क्या कमाल करेगा, जो कल हम लोगों ने बात करी थी, ऑक्सीजन से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा है तो इसको इधर इलेक्ट्रॉन आप दे सकते हो, और जब आप इसको इधर इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो क्या होगा, कैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा अपना।
आप लोग कॉपी पेन लेके बैठते हो क्या क्लास में? कॉपी पेन लेके भी बैठा करो, देखा करो क्या हो रहा क्या नहीं हो पा रहा। तो अगर इसको देखो, अब इस स्ट्रक्चर को देखो, तो यहाँ पे बन रहा है क्या? यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ बन जाएगा पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर आगे रिंग पे जाते हैं हम, तो यहाँ पाई सिग्मा, फिर सिग्मा, इधर भी सिग्मा और इधर भी सिग्मा। तो यहाँ पे कंजुगेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, पाई सिग्मा सिग्मा, यहाँ पे दो सिग्मा आ गए। तो यहाँ पे आपका कंजुगेशन क्या हो जाता है? इनकम्प्लीट, पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं होता। तो अब इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लिक तो है, लेकिन ये सिस्टम कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं रिंग में? अगर देखें तो कंजुगेशन में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? यहीं पे कॉन्जुगेशन हो रहा है, केवल इतनी जगह पे कॉन्जुगेशन हो रहा है, आगे तो हो नहीं रहा। इधर इतनी जगह पे अगर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो यही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? तो आपके पाई इलेक्ट्रॉन भी हो गए और ये नॉन एरोमेटिक हो गया, कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं एरोमेटिक के कंपेरिजन में लेस स्टेबल होते हैं। तो ऑप्शन क्या बनना चाहिए? डी ऑप्शन बन जाना चाहिए अपना। क्लियर है? तब और चीजें देखेंगे भाई, किस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहा है। किसी में मान लो 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, किसी में 5 बन रहे हैं, किसी में 3 बन रहे हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, उसके बेसिस पे देखेंगे। जो ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है वो ज्यादा स्टेबलाइज होता है। जनरल ट्रेंड तो यही है। अब देखो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, जो होते हैं वो बहुत अनस्टेबल होते हैं। तो इनमें क्या टेंडेंसी होती है? इनमें टेंडेंसी होती है कि ये किसी तरीके से स्टेबलाइज होना चाहते हैं। उसके लिए इनमें चेंजेस होते हैं। जैसे सपोज एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन समझते हैं क्या होता है? भाई कोई ए है सपोज, इसके दो मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए और इन्होंने A2 बना लिया। जैसे पॉलीमराइजेशन में हम बोलते हैं कि एन मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए आपस में, कोई बॉन्ड से अटैच हो गए और इन्होंने पॉलीमर बना लिया, वैसे ही ये डाइमर बन गया। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो डाइमर बना के स्टेबिलिटी गेन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें इस कंपाउंड की, अगर बात की जाए ब्यूटाडाइन की, साइक्लोब्यूटाडाइन की, तो ये कैसा होगा? एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा? सोच के बताओ। एंटी एरोमेटिक होगा क्यों? क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं हमें। साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और एंटी एरोमेटिक अगर स्ट्रक्चर होता है तो क्या हो जाता है आपका? अनस्टेबल।
अब ये क्या करता है, ये बनाता है टाइमर, तो अपने एक और मॉलिक्यूल से ये अटैच हो जाता है। अब ये जो अटैचमेंट होता है, उसमें अटैचमेंट में क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है ना, एक बीच वाला, ये डबल बॉन्ड, ये दोनों अटैच होंगे तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये भी एंटी है, और दोनों मिलके क्या करेंगे, थ्री रिंग का कंपाउंड बना लेंगे। और थ्री रिंग के कंपाउंड कैसे बनेंगे, इधर इधर वाले डबल बॉन्ड तो यहीं पे रहेंगे, और ये वाले डबल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन था वो मूव किया, ठीक है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके क्या करता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है। और ये पाई इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो आपके ये 1 2 3 4 बॉन्ड बना देते हैं। क्लियर है बात? तो इसका मतलब क्या बन गया, ये नॉन एरोमेटिक। अगर इसको देख लो तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन बताइए, जो स्ट्रक्चर डाइमर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, कॉन्जुगेशन है क्या, कॉन्जुगेशन है नहीं, इसी वजह से तो नॉन एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया, तो अब क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक स्टेबलाइज हो जाएगा तो स्टेबल बन गया। सेकेंड देखो, दूसरा स्टेबलाइजेशन का क्या तरीका है, रिएक्शन में एक्टिव मेटल्स जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, ये एक्टिव मेटल्स हैं एक्टिविटी सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इनसे रिएक्ट करके भी होता है आपका स्टेबलाइजेशन। कैसे, देखिए, ये साइक्लोब्यूटाडाईन है, ये 2 सोडियम से रिएक्ट करेगा, और इसके लिए हम लोग लेते हैं कोई भी इनर्ट सॉल्वेंट, इनर्ट एटमॉस्फियर हमें क्रिएट करना होता है, ईथर होता है इनर्ट सॉल्वेंट, इसको यूज करते हैं हम लोग। जब इसको यूज करते हैं तो ये तो एंटी था, अब ये क्या होता है, सोडियम है अपना, तो सोडियम के पास आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, 281 का कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये क्या करता है, ये बना लेता है 2Na+, ये स्ट्रक्चर बना लेता है। अब ये जो डबल माइनस वाला एनायन बन गया, इसमें अगर देखो आप तो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा क्या, साइक्लिक हो गया, कॉन्जुगेटेड हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अब क्या बन जाएगा, ये एरोमेटिक बन जाएगा, तो एंटी एरोमेटिक से किसमें कन्वर्ट हो गया, एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया, किसकी वजह से, सोडियम से रिएक्शन की वजह से। तो अब ये क्या बन गया, स्टेबिलिटी गेन हो गई, एंटी एरोमेटिक कम स्टेबल होता है, एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है। आपको कोई आवाज आ रही है क्या बैकग्राउंड से?